हाय डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझना मेन इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ सो पीस, कोई सो पीस है, सोन इन द फिगर, ये फिगर में बताया हुआ है, इज मेड ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड से ये बना हुआ है, ठीक है। वो दो सॉलिड कौन से हैं? अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। दो सॉलिड है, एक क्यूब है, देख रहे हो आप, और एक हेमिस्फीयर है जो उसके ऊपर रखा हुआ, ठीक है। द बेस ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, जो बेस है, जो नीचे है वो क्यूब है, जिसका एज डायमेंशन दिया है, क्यूब है तो सभी डायमेंशन सेम होंगे उसके, एल बी एस सब सेम होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप हैज डायमीटर 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है इसका डायमीटर? 5.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, डायमीटर बोला है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा इसका? हाफ कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा वैल्यू। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पीस। अब ये जो आपको दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखो, टोटल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है उसके ऊपर माउंट किया गया उसका टोटल, उसका सरफेस एरिया एंड प्लस इसका टोटल सरफेस एरिया, एंड इसमें से देखो ये माउंट किया है तो कुछ जगह कवर किया होगा, वो उतना माइनस कर दे तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो मैं वही लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा? मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सो पीस, ठीक है। जो सो पीस है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा। ये जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस कर्व सरफेस, सी एस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा ये जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर माउंट उसके ऊपर फिक्स किया गया, तो कुछ जगह वो एक पाई आर स्क्वायर जितना जगह कवर करेगा, तो हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस टू कवर हेमिस्फीयर, ठीक है, ये लिख देंगे हम, ओके। फिर ये कितना होगा? 6L² होता है, ठीक है, 6L² प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? हेमिस्फीयर का 2πr² बोला था, 2πr² एंड माइनस इसका एक πr², एक इसको माइनस कर देंगे तो πr² से बचेगा। 6 × L की वैल्यू दिया है 7² प्लस यहाँ पे इसको माइनस कर देते πr² बचा, πr की वैल्यू कितनी आएगी? r इधर 5.2 दिया तो इसका हाफ r² हो रहा है ना, तो 5.2/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 7×7=49, 6×49 प्लस यहाँ पे 22/7×5.2/2×5.2/2, ठीक है, कैंसल कर सकते हैं ये 2 11, ठीक है। और क्या कैंसल हो सकता है? 7 का टेबल में होगा क्या? सॉल्व करेंगे हम, 6×9=54 एंड 6×4=20 4 and 5 29, ये 29 2 9 4 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 21.25। जब सॉल्व करोगे इसको, मल्टीप्लीकेशन करो, इसे डिवाइड करो, 29. कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, सॉरी 21.25 आ रहा है। और इन दोनों का एडिशन अगर कर देते हैं तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 315.25। क्या किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो आते हैं आप तक पहुंचे। तो थैंक यू।